पर यहाँ पर आपको रेगुलर देखने को मिल जाएगा। बट हाफ ग्राउंड से मौजूद रहने वाली आपके पास टीम डेंजर, जिनके पास एक बेहतर मौका है नीचे रुके हुए सभी प्लेयर्स को, नीचे रुके हुए सभी होल्ड प्लेयर्स को यहाँ से फिनिश पॉइंट सिक्योर करके टेबल में बेहतर जगह बनाने का। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक इसी दौरान इसी बीच काश प्लेज यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं, उनकी टीम पूरी की पूरी पिक ऑफ किए जा चुके हैं। बट आई थिंक जिस टाइमिंग से वहां पे ऋषभ निकले थे, उनकी बगी को सबसे पहला डैमेज पड़ा, आई थिंक एक अच्छा सैक्रिफाइस था, उसके लिए ही उनकी टीम जोन में आ पाए हैं, वरना आई थिंक पूरी की पूरी टीम वहां पे फंस सकते थे। टाइमिंग बहुत बढ़िया था, बट पाव किलो का टाइमिंग तो यहाँ पे ऑन पॉइंट है। डैनियल को नॉकआउट करेंगे, सचिन यहाँ पे नॉकआउट हो चुके क्योंकि डेंजर का डीपी कुछ और ही कहना चाहता है। बिल्कुल, डेंजर का डीपी काफी डेंजर आज लग रहा है। कृतिका की टीम अभी के लिए स्मोक कर रहे हैं, क्लाउड बना रहे हैं ताकि जोन के अंदर एक बेहतर स्पॉट की तरफ जा चुके। बट अब आपको मिलेगी यहाँ पर कास्टली, सामने डॉन है, पाव किलो है, अपना एक प्लेयर गवा चुके सामने फोर किंग क्रॉसिटी, और बचना पड़ेगा फांस ऑन स्पॉट के लिए जाते तो मौका बनता। चैन वाइटी ऑलरेडी यहाँ पर एक बंदी कर सकते हो, एक ग्रेनेड के साथ एक और मौका बनकर आएगा। दिस ग्रेनेड इज द डिसऑर्डर वन, इज इट डस द डैमेज, यस इट डस और नॉट, वी गॉट टू वेट एंड वॉच। ओह माय गॉड, दैट वाज अ लीथल वन, सोलो रश गोस डाउन एंड ही गॉट दैट 1v2 मोर टाइम। चैन YT open the chat, you guys can definitely make this thing happen because this team is looking unstoppable for the day. Hydra danger, as I said, is looking very dangerous, and this guy Shayan is on a roll, not only with his grenades, look at that DP spray in between the smokes, he's so on point, he actually sponges over as well and he goes out as well. Wow, back to back yahan par domination nikal kar aati hui Shayan YT ki taraf se. Samne aapko yahan par milenge sare players jo prone down hai, finish speed mein aap dekhe to har jagah Shayan hi Shayan milega, back to back players ko yahan par knock out kar. Now's the time for invective WNL. I'm expecting a grenade. Or what do you call? I think yahan par ek grenade agar ho jata hai to 1v2 to ho hi jayega. I think grenade नहीं है उनके पास, अगर होता तो फॉर श्योर वहां पे ग्रेनेड निकाल लेते। पुश कर रहे हैं जो कि एक गलत डिसीजन हो सकता है, बट सामने मोलोटॉव डाल दिया गया, कार्टून वहां पे स्मोक में बैठे हुए हैं। ओह, स्मोक निकाला है, फॉर श्योर नेड उनके पास नहीं है क्योंकि अगर होता तो अब तक तो डाल चुके होते। ऊपर से प्लेयर ने फेंका जरूर है, देखना पड़ेगा वो क्या, वो नेड यहाँ पे स्मोक है, रैथ यहाँ पे प्रोन डाउन किए हुए, कार्टून भी प्रोन डाउन किए हुए, नरूटो भी प्रोन डाउन किए हुए, नेड एक्स मुन्ना वहां पे एक्सपोज कर सकते हैं। बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात यह बन जाता है कि अभी ध्यान उनका डब्ल्यूएनएल की तरफ है, डब्ल्यूएनएल रिच के ऊपर है, उसका फायदा उठा सकते हैं। बट इस सिचुएशन में एंड जोन में आके हाथ में टॉमी होना, लूट की कमी नजर आ रही है वहां भी। अब आई थिंक यहाँ पर ये स्मार्ट मूव है बिकॉज अगर आप एक टॉमी उठाते हो M4 के साथ तो आपकी बैग में वो जगह बनती है, बट उससे पहले ग्रेनेड से बच जाओ। चलो बच गए, आपके बैग में वो जगह बन जाती है जिसमें आप एंड गेम के लिए अच्छे थ्रोबल स्मोक्स और यूटिलिटीज मेडिक्स उठा लेते हो। तो आजकल ये काफी अच्छा टैक्टिकल मूव है जो टीम्स अपना रही है, और कुछ वैसा ही यहाँ पर ये भी करते हुए कार्टून है। हाइड्रा ऋषभ की जो टीम है काफी अच्छे स्पॉट पर नजर आ रही है, बट ऑन टू दी अदर साइड हाइड्रा डेंजर की जो टीम है वो ज्यादा डेंजरस लग रही है, वो बैक टू बैक फिनिशर्स निकालते जा रहे हैं, और उनकी टीम का वो खिलाड़ी शयन वो तो आज अलग ही फ्लो में एक अलग ही मोमेंटम के साथ नजर आने वाले हैं। जोन के शिफ्ट की बात करें तो अभी तक जो शिफ्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन पर गया था वो अब एक नॉर्थ वेस्ट रीजन की तरफ जा चुका था, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ऑपोजिट को सर्कल बन चुका है। बट यस, रोटेशन इंस्टेंटली वहां पर डालनी पड़ेगी। लास्ट टाइम जब चयन को देखा था तो 3 फिनिश पॉइंट्स थे और 4 में इजाफा यहां पर आ चुका है, 6 फिनिश पॉइंट्स यहां पर ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ और यहां पर ढूंढ रहे हैं, नीचे यहां पर न्यूक्लियर डाउन है, स्पॉट करेंगे कौन पर, रेडियस को लेकर डैमेज देंगे, कवर मिलेगा। हाइड्रा डेंजर इज लुकिंग वेरी डेंजरस एज ऑफ नाउ, हैविंग द स्कारलेट बिलीव एबल टू गेट दैट टच, 12 फिनिश पॉइंट्स इस टीम के पास ऑलरेडी आ चुके हैं। देयर यू गो विद दैट इंक्रीमेंट, 14 फिनिश पॉइंट्स के साथ यहां पर टीम हाइड्रा इज ऑन अ रोल। डेंजर अभी के लिए नॉकआउट जरूर से हो चुके हैं, बट इजी रिवाइवल यहां पर मिल जाएगा। सामने आपको मिलेगा मस्ती जोन, शीशी नारू टू पता स्कारा है, ऊपर से कौन आ रहा है, वी हैव अंतर्यामी अप देयर, इनके पास तो ये, इनका तो नाम ही अंतर्यामी है, इनको तो पोजीशन पता चल जानी चाहिए। बट हैव नॉट से जब आप आएंगे आपको मिलेंगे नारुतो, आपको मिलेंगे कार्टून जो आपको गेट कीप करने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या लगता है औरो, ये जिस तरीके से प्रोन डाउन हो चुकी है, आसान रहेगा क्या इनके लिए फिनिश पॉइंट सिक्योर करना? आई थिंक आसान हो सकता है, बट करेंटली शैन वाइटी जिस फॉर्म में है, जिस मोमेंटम से आगे जा रहे हैं, माफिया की टीम को यहाँ पे एलिमिनेट किया जा चुका है, 3 फिनिश पॉइंट्स उनको मिले हैं। बट इन्फेक्टेड डब्ल्यूएनएल उनके तरफ से कोशिश यही होगा कि जोन के अंदर अपना पोजीशन बनाए रखें, बाकी टीमों को जोन के अंदर ना आने दे। बट आई थिंक सारे के सारे प्लेयर, पांचों के पांचों टीम जोन के अंदर है, स्पॉट किया है, बट आई थिंक कोई भी प्लेयर उस एरिया पे मौजूद नहीं है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्प्रे अगर लेते तो शायद से रैथ का पोजीशन वहां पे एक्सपोज कर सकते थे, बट अंतर्यामी का पोजीशनिंग एंड उनकी टीम का पोजीशनिंग यहाँ पे डिसाइडर हो सकता है। शैन वाइटी का पोजीशन आई थिंक स्पॉट कर लिया ड्रिगर ने, कल ड्रिगर ने कुछ ऐसे कमा कमा दिखाया था, बट नहीं, शैन ने काउंटर अटैक किया बहुत ही ब्रिलियंटली, बट ड्रिगर साथ ही साथ पीछे आ चुके हैं। टेस्ला की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, देखना पड़ेगा कौन सी टीम यहाँ पे चिकन लेके जाते हैं, स्पॉट किया ड्रिगर को बट नहीं, गाड़ी एंड वो पेड़ का जो कवर था, दोनों के दोनों प्लेयर्स आई थिंक
ऐश को शॉट पड़ रहा है, आई थिंक साथ ही साथ ड्रिगर को भी शॉट पड़ रहा है, दोनों के दोनों प्लेयर लाइन ऑफ फायर में आ रहे हैं, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ऐश नॉकआउट हो सकते हैं, वही हुआ, ऐश नॉकआउट हो चुके हैं। शेन व्हाइट कोशिश करेंगे अभी पुश निकालने का क्योंकि यही सही मौका है, एंड ओ गाड़ी अगर बर्स्ट आउट होता है वहां पे, दोनों के दोनों प्लेयर्स नॉकआउट हो सकते हैं। बिल्कुल देखिए, अब मौका आ चुका है यहाँ पर टीम हाइड्रा डेंजर को थोड़ा सा और अपना डेंजरस मूव लेकर आने का। शैन की तो डीपी आज बहुत शोर मचा ही रही है, बार बार फिनिश फील्ड में काफी ज्यादा एक्टिव है, बट अब इस टीम को जोन के अंदर भी जाना पड़ेगा। दे आर एक्चुअली मेकिंग देयर मूव इनसाइड द जोन एंड इट्स अ लीथल वन। जस्ट फॉर द केस वी हैव नारुतो अप फ्रंट, वी हैव कार्डन अप फ्रंट, एंड आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम व्हेन दीस गाइस विल थ्रो सम लीथल ग्रेनेड्स ऑन देम। ओह, देयर इज नो नीड ऑफ दैट बिकॉज दिस टीम इज वेरी गुड विद देयर वेपन्स। 20 फिनिश पॉइंट्स के साथ टीम हाइड्रा डेंजर is actually ripping things apart. हर वो टीम जो इनके सामने आने वाली है आज वो डाउन हो जाएगी, because ये एक अलग ही एनर्जी को you know ट्रांसफर कर रहे हैं, ये फील कर पा रही है उस एनर्जी को, ये वो चिकन की हंगर है जो इस मैच को और भी ज्यादा इंटेंस बना रही है। जी हाँ, #6 पर टीम करी का डाउन हो जाती है 3 फिनिश पॉइंट्स के साथ, बट अभी प्रोन डाउन यहां पर इंफेक्टेड WNL अपनी यूटिलिटीज का यूज करते हुए, अपने स्मोक्स का यूज करते हुए, विजन ब्लॉक करते हुए, ताकि उनकी पोजीशन यहां पर कॉम्प्रोमाइज ना हो। बट डेंजर आज मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाले हैं, ये चिकन पर नाम अभी तक तो टीम हाइड्रा का ही लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली मायावी, हेल हाइड्रा स्पैम करने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि नंबर्स एडवांटेज तो उनके फेवर में ही है। सामने अंतर्यामी एंड नीड एक्सप्रो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आई थिंक। साथ ही साथ यहाँ पे एश और ड्रिगर दोनों के दोनों प्लेयर कोशिश यही करेंगे कि गॉड निक्सन के लिए एक चिकन डिनर निकालने की, बट कोई भी टीम को यहाँ पे हम कम नहीं समझ सकते हैं। नंबर्स एडवांटेज है जरूर, बट अगर कोई भी गलत कदम उठाते वहीं पे पनिश भी करने में कोई भी टाइम नहीं लेंगे। ड्रिगर आई थिंक गलत डायरेक्शन में देख रहे हैं, उनके ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेयर्स मौजूद हैं, बट डेंजर को यहाँ पे एक लूट पेट मिल चुका है जहां से वो थोड़े से यूटिलिटीज उठा लेंगे। नेड या फिर स्मोक इस सिचुएशन में आई थिंक गोल्डस्ट की तरह होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट साथ ही साथ यहाँ पे अगर वो नेड एक कनेक्शन बना के जाता है, एश ड्रिगर एंड जो भी प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद है, किसी भी बगी का साउंड आ रहा है, इसका मतलब कोई प्लेयर यहाँ पे काफी बोल्ड मूव ले रहा है। इसी वजह से नंबर एडवांटेज जिसे कहते हैं ना, डेंजर व्हीकल लेके आए, अपना पोजीशन जोन के अंदर जमाया, बगी के दो टायर तोड़े एंड स्टेडी हो चुके हैं। देखिए शैन वाइटी अभी प्रोन डाउन है, इस खिलाड़ी के पास 9 फिनिश पॉइंट्स हैं, क्या 10 से ज्यादा हो पाएंगे? क्या ये स्पॉट कर चुके? यस, ओ मैंने तो स्पॉट कर लिया, इन्होंने भी कर लिया, प्रो को अभी के लिए डाउन कर दिया जाएगा, बट इंस्टेंट पनिशमेंट अगर अंतर्यामी की तरफ से देखने को मिलती है तो शायद शैन के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। बट नहीं, ये खड़े होके काफी कंफर्टेबली अपनी एकेएम के चलते एडीएस कोई के उस प्लेयर को डाउन कर देंगे, बट अंतर्यामी को भी स्पॉट करने का एक अच्छा मौका इनके पास। लुक एट दैट फ्लैग, लुक एट दैट फ्लैग, बॉडी को दैट टीपी बिफोर ही कम्स टू द ट्री, हो जाएंगे यहां पर नॉकआउट। डेंजर, बेटर यू गेम इट डाउन, बेटर यू गेम इट डाउन, बिकॉज़ यहां पर अभी के लिए स्मोक कर रहे हैं, थोड़े बस का उतना ज्यादा यूज नहीं है। गाड़ी बस स्टार्ट हो जाएगी, अंतरिया में के लिए दिक्कत हो जाएगी, अंतरिया में अभी के लिए डीएस कॉल के नाम से प्रयास करने के बाद तो दस प्लेस डाउन है। अंतरिया में जितनी बारी मेजर्स पर गए भी उनका पीवेस में चलते हैं, यू गो अंतरिया में गोस ऑन विद दैट व्हीकल ब्लास्ट एंड शाइन व्हाइटी सर्वाइव्स। वी हैव ओजी ट्रिगर, वी हैव ओजी एश एंड वी हैव गॉट निक्सन इन द टॉप 2। गाइस, व्हाट डू यू थिंक, हु इज गोना गेट दैट चिकन? Is it going to be Team OG from Team God Nixon or with the flow Team Hydra Danger? इतनी dangerous लग रही है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर रोकना इतना आसान होगा। शायद is unstoppable man. 10 solo finish points है शायद YT के पास। Yes, exactly. आप impossible situations की बात कर रहे थे ना, शायद ने वो ही कुछ किया है। I think अभी भी देखिए कितना ज़्यादा bold move दिखा रही है कि उनको पता है number advantage हमारे पास है। एक play को turn कर दिया, trigger अकेले खिलाड़ी बचे हुए। I think अभी Hydra को कोई नहीं रोक सकता। एक amazing chicken dinner लेकर जाते हुए आखिरी मैच में Hail Hydra, क्या बात है, chicken dinner निकाल चुके हैं। शायद YT OP तो होना चाहिए क्योंकि अकेले प्लेयर ने 10 फिनिश पॉइंट निकाले हैं। बिल्कुल, शैन वाइटी की डोमिनेशन जो यहाँ पर मिली है, आई थिंक यहाँ पर अभी तक का सबसे इंटेंस मुकाबला। वो कहते हैं ना, आफ्टर पार्टी में बिल्कुल अंत तक का जो सिनारियो होना चाहिए, जिस तरीके की इंटेंसिटी हमने एक्सपेक्ट करी थी आखिरी मैच से, बिल्कुल वैसी ही हमें देखने को मिली है। क्या डोमिनेशन, माय गॉड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोर देन 20 फिनिश पॉइंट्स का ये चिकन डिनर था। और